नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल स्टार्ट 186 में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर दोस्तों आप Instagram यूज करते हैं तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप Instagram के एप्लीकेशन में ही अपना फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वह भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने Instagram में आ जाएंगे। Instagram में आने के बाद दोस्तों अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा हो तो लॉगिन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह देख सकते हैं, यह मेरा Instagram का अकाउंट है। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहें तो मेरे को Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं होम पे आ जाता हूँ। होम पे आने के बाद दोस्तों आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस फोटो को आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर देता हूँ अपना। तो दोस्तों यह मैं अपना फोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद कस्टमाइज पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करके दोस्तों आपके सामने कुछ सेंटर ऑफिस खुल का जाएगा। तो अगर आप चाहें तो दोस्तों इस वाले आइकन पर भी क्लिक करके फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एडिटिंग करना बताऊंगा आपको बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने दोस्तों आपको ब्राइटनेस पर क्लिक करना है। ब्राइटनेस पर क्लिक करने दोस्तों अगर आपका फोटो ज़्यादा ब्लैक होगा तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा। तो मैं बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो ज़्यादा वाइट हो गया है। अगर आप कम करेंगे दोस्तों तो आपका फोटो ब्लैक में हो जाएगा। तो मैं बढ़ा लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद डन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों कंट्रास्ट पर आपको क्लिक कर देना है। कंट्रास्ट पर क्लिक करूँगा दोस्तों, आप इसको बढ़ा लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, इसको भी 10 कर लेता हूँ। उसके बाद डन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको स्ट्रेचर पा देना है। स्ट्रेचर पाने के बाद दोस्तों आपको इसको बढ़ा लेना है या कम कर लेना है। तो मैं इसको 7 कर लेता हूँ। उसके बाद डन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं वारम पर आ जाऊंगा। तो दोस्तों मैं इसको बढ़ाऊंगा तो मेरा फोटो में येलो टून आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और मैं इसको घटाऊंगा तो दोस्तों मेरा फोटो में ब्लू टोन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा फोटो में ब्लू टोन आ चुका है। तो आप अपने फोटो के हिसाब से जितना आप बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें कर सकते हैं। तो मैं 35 ही कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद डन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सेचुरेशन पर फिर से जाऊँगा। उसके बाद इसको कम या बेस कर लीजिएगा दोस्तों अपने फोटो के हिसाब से। तो मैं इसको 6 रहने देता हूँ। उसके बाद डन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कलर पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फेड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसको हल्का सा बढ़ा लेना है, 3 पर कर लेना है दोस्तों। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको हाईलाइट पा जाना है। हाईलाइट पाने के बाद आप इसको अपने फोटो के हिसाब से हाईलाइट कम या बेस कर सकते हैं। मैं अपने फोटो का हाईलाइट 9 कर लेता हूँ। उसके बाद डन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद से मैं शैडो पा जाता हूँ। शैडो पाने के बाद दोस्तों आपको इसको कम या बेस कर लेना है। तो मैं कम कर लेता हूँ दोस्तों, -6 कर लिया दोस्तों। उसके बाद डन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको बैडमिंटन पर आ जाना है। इस पर आने के बाद दोस्तों आप इसको बढ़ा लीजिएगा तो आपके फोटो के चारों तरफ ब्लैक में शैडो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ब्लैक में शैडो आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं जैसे इसको 100 करूंगा आपको साइड में शैडो दिख जाएगा ब्लैक में। तो मैं इसको 100 कर लेता हूँ। उसके बाद डन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको अपने फोटो में आफ्टर और बिफोर करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं इस पर दबाए रखूँगा तो पहले मेरा फोटो ऐसा था दोस्तों, अब मैं एडिटिंग किया तो मेरा फोटो ऐसा बन चुका है। और दोस्तों आप अपना फोटो और भी प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से भी बिना कुछ किए फोटो अपना एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं ये दूसरे नंबर वाले फिल्टर को यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद से इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। इधर जाके मैनेज में जाकर मैनेज पर क्लिक करके आप मिनिमाइज कर सकते हैं। फिल्टर का यूज किया हूँ। उसके बाद से बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ आपको। तो पहले मेरा फोटो दोस्तों ऐसा था और अब ऐसा बन चुका है। तो दोस्तों आप इसी तरह करके अपने Instagram के अकाउंट में भी फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, वह भी बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का। उसके बाद से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करो दोस्तों, आप अपना फोटो अपलोड कर लीजिएगा Instagram पर। तो मैं अपलोड नहीं करूँगा। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों इस पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।